जी बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्राह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। क्लास, यू कैन सी ओवर हियर द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस प्ले नेम द ओस्टर एंड दिस इज द play Oyster and the Pearl, and the screen that you can see is the house of the playwright. His name is William Saroyan. Here he used to live in this house, and these are the pictures you can see on the screen. A legendary person for America, and this is the place, this is the play, the Oyster and the Pearl. And this is the video. I would like to watch it for better understanding what the oyster is. That is stinky. What are you doing, Stace? We are opening up an oyster to find what color pearl Brinley got for her necklace. Yeah, and Mommy got a black one. I got a black pearl. And what does black mean? On the other side it says, I don't know. That black means love. Love. So you get love. Here, Bryn, smell it. What does it smell like? It smells like poo. Oh. Get away. Bryn, this is opening much, much easier. Oh, it's dripping. How does it smell, Stace? It stinks. Well, this is the oyster. What color? Let's find it. Now we got a dip for it? Oh, Brinley got a white one. What does white mean? And or is that is peach? I think it's white. What is white means wisdom. Oh, did she get a white one? Yeah. Oh, good. Cool. Good. One black, one white. Those are decent size. Well, here it is. You see that the video, and this video will enable you to understand what is the basic concept of this pearl and the shell in which it is, and that shell is called oyster. In Urdu, that oyster is called sadaf. Aur iske liye Ghalib ne sher bola ki dam har mauj mein halka sadqa mein naham, dekhen kya guzre hai qatre pe gohar hone tak. और इकबाल कहता है कि अगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है वो कतरा नेसां कभी बनता नहीं गौहर। एक और जगह इकबाल कहते हैं कि जिंदगानी है गौहर, कतरा नेसां है सुद खुदी, कतरा नेसां है खुदी। वो सदफ़ क्या कि जो कतरे को गौहर कर ना सके। अब मतलब ये है कि हमारा जो खुदी है कॉन्सेप्ट, अल्लाह इकबाल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं, तो ये जो हमारी जो ज़िंदगी है कतरा नेसां है, ये एक खौल होता है, खुद सदफ़ के अंदर परवरिश पाता है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर, माहौल हमारा, अगर वो ऑयस्टर है, सदफ़ है, अगर वो इतना अच्छा नहीं है तो अच्छा मोती भी नहीं बन पाएगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो ये प्ले जो हम पढ़ने लगे हैं, बल्कि हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, आज हम इसकी एंडिंग करेंगे, उसमें ज़िंदगी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि बहुत बड़ी ज़िंदगी, ज़िंदगानी है सदफ़, यानी ये ज़िंदगी का मेले और ये जो लाइफ इतनी बड़ी ज़िंदगी है, इसके अंदर मोती कोई कोई लोग होता है, सारे नहीं होते। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी अल्लाह चुन ले उन लोगों में से जो मोती बनते हैं, जो हीरे जवाहरात बनते हैं और ज़िंदगी लोगों के लिए जो ना खुशियों का बायस बनते हैं। तो इसी तरह इसमें हैरी वैन ड्यूसन का किरदार हम पढ़ेंगे कि हैरी वैन ड्यूसन का किरदार ऐसा ही था कि वो एक पूरी बस्ती के लिए, ओके बाय द सी के लिए उम्मीद का निशान था, जिसके लोगों के लिए वो को एक उम्मीद की किरण दिखाता है, उनको खुशियाँ दिखाने की कोशिश करता है।
और उसमें जो क्लार्क लैराबी है उसका बेटा जो है क्लार्क लैराबी का बेटा जो है वो क्ले लैराबी है। तो क्ले लैराबी को पैसों की ज़रूरत होती है ताकि अपने वालदैन को वापस मिला सके। तो ये सारा बैकअप था उसके अंदर, मिस मैकेचन का किरदार भी आता है, आपके सामने होगा। तो ये थी सारी स्टोरी, हम इसको जल्दी जल्दी से एक ओवरव्यू लेते हैं। ये इसका सीन था और ये हैरी वैन ड्यूसन एक इमेजिनरी कैरेक्टर है और ये शॉप में बैठा हुआ जो है वो अपने बाल कटवा रहा होता है क्ले लैराबी से, हालांकि वो खुद बार्बर है लेकिन वो खुद अपने बाल कटवा रहा होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट आप देखते हैं कि इसी में क्या कुछ पड़ा हुआ है, उसकी जो दुकान की इंटीरियर है उसके अंदर शेल्फ पड़ी हुई हैं, उसके अंदर किताबें पड़ी हुई हैं, एक मज़े की बात है वहाँ ट्री जो है कैप्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट किस्म की। तो उसमें एक 9-10 साल का बच्चा क्ले होता है जो बाल काट रहा होता है, और ये हमने कैप्स की टाइप्स भी पढ़ी हैं। इसमें आप इसको रिकॉल कर लें कि ये स्टॉफ, ये जो पहला अब्राहम लिंकन ने पहनी हुई कैप है, ये उसकी पहनी हुई है, कौन है भला ये अमेरिकन प्रेसिडेंट स्टोव, ये स्टोव पाइप है, स्टोव पाइप है अब्राहम लिंकन की पहनी हुई। और उसके बाद ये नीचे वाला, ये वाला यूरोपियन हैट है और ये है डर्बी हैट है जो ऊपर पहना हुआ है, और ये जो है स्कल कैप है, ये आई थिंक बेरे है, और ये वो है जिसको हम कहते हैं कि बना हुआ उसका जो होता है धागे का जो बना होता है जिसको हम करते हैं, ये उस कैप का नाम है। और इसके बाद मज़ीद हम आगे जाते हैं, ये मैंने आपको बात बताई थी कि ये आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एम होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, और उस एम के लिए आपके पास अर्नेस्ट डिज़ायर और एफर्ट होनी चाहिए तो आप अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये अर्नेस्ट डिज़ायर है, और अर्नेस्ट डिज़ायर के बाद एफर्ट है, और एफर्ट के बाद ये आपका बिलीफ है, ठीक है जी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, हमने चीज़ें सारी कर ली हुई थी, और हमने ये तीनों चीज़ों कैसे रिलेट किया कि जो क्ले लैराबी था वो उसका एक टारगेट था ज़िंदगी में कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं ताकि मैं माँ बाप को वापस ला सकूँ, खुशियाँ दे सकूँ, गिफ्ट दे सकूँ, और इसलिए उसने क्या किया कि उसने एफर्ट की और सारे समंदर पर गया और वहाँ पर चीज़ों को तलाश करने की कोशिश की। और उसका एक इसके साथ साथ एक यकीन रहा, बिलीफ रहा कि मुझे आज वाकई कुछ अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ये वो जो ऐड दिया था उसने, क्ले ने ऐड दिया था अपने उसमें अखबार के अंदर, क्ले ने क्या दिया था जी ऐड अखबार के अंदर, अखबार का नाम क्या था, ओके बाय द सी गल, गल न्यूज़पेपर का नाम था। उसके अंदर उसने कहा था कि जी मछलियों के नाम बताए थे, उसने कहा था जी बैश थी और कैबजॉन था और पर्स थी, ये मछलियों के नाम हैं, ये मछलियों के टाइप से भी आपके सामने आ रही हैं, ये उसी तरतीब के साथ हैं जिस तरतीब के साथ आपकी बुक के अंदर ये नाम लिखे हुए हैं, बैश है और ये पर्च है और कैबजॉन है, ये टाइप्स ऑफ फिश हैं। इसके बाद आप देखते हो कि ये एक बैश फिश है, ये बड़ी बैश फिश है, और जिस अंदाज से ये जो है ना वो कर रही है, क्या कहते हैं इसको, शिकार कर रही है, अब यू कैन सी इट कि ये कितनी बड़ी है, ये तो एक्सट्रीम फॉर्म है, टाइप्स हैं बहुत सी इसकी मछलियों की। तो ये हैं पैरासॉल, वो जो मिस मैकेचन का करेक्टर आता है, मिस मैकेचन हैरी वैन ड्यूसन के पास शॉप में आती है बाल कटवाने के लिए, पुडल हेयर कट, तो वो पैरासॉल होता है, ये पैरासॉल कलरफुल जो है ना उसको कहते हैं कलरफुल छतरी को कहते हैं। तो ये पैरासॉल की टाइप्स आपके सामने, यू कैन सी दिस, आप देख रहे हो उसको। तो इसके बाद ये बेटा जी वो पुडल हेयर कट है, यू कैन सी दिस पुडल हेयर कट, तो ये पुडल डॉग है और जिस अंदाज से इसको कट किया गया है ये पुडल हेयर कट है, और ये इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर ये कोई मुहतरमा है जो पुडल हेयर कट के ट्यूटोरियल बताती हैं कैसे बाल काटे जा सकते हैं, तो ये इस बेस्ट फॉर्म ऑफ पुडल हेयर कट। तो ये क्यों दिया जाता है पुडल हेयर कट, ताकि बंदा जो है वो डिसेंट लुक जो है उसकी लगे, ये उसका डॉग है पुडल। तो ये सिर्फ बेटा जी हमने यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ ली भी है, तो आज हम इसको लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे, हम इसका पेज नंबर आ रहा है आपके पास, कोई बच्चा बताए बेटा जी किस पेज पे थे हम लोग, जी बेटा 40 जी बेटा जी 41 पेज पे मैं भी आ रहा हूँ, फिर हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, 41 पेज ये रहा 40,
Here it is, 39, and this is 40, and this is 41. This is 41, and we have read it, I think. Haven't we read this paragraph? We have read this paragraph, and yes, here it is. From this one, we will study it. Miss McKitchen says that, are you suggesting we play a trick on Clay in order to carry out your mumbo jumbo ideas? वो कहती है कि यार आप ये कह रहे हो कि आप हम क्ले के साथ कोई प्लान करें, कोई उसको डिसीव करें, उसको चीट करें. प्ले ऑन ट्रिक होता है, प्ले अ ट्रिक ऑन एक ईडियम है जिसका मतलब होता है मजाक करना या उसको धोखा देना या उसको गलत फहमी में रखना, ये उसको ट्रिक होता है, उसको धोखा दें. इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर मंबो जंबो आइडियाज़, ताकि तुम्हारी जो फजूल किस्म के जो ख्याल हैं इसको पूरा किया जा सके. तो हैरी कहता है, वेल मे बी इट इज़ अ ट्रिक. हाँ, हो सकता है कि ये ट्रिक हो. आई नो वुज़िक्स गॉट अ फ्यू प्रिटी गुड साइज कल्टीवेटेड पर्ल्स. मैं जानता हूँ कि वुज़िक के पास कोई बड़े अच्छे किस्म से, ये जो कल्टीवेटर्स के मतलब डेवलप्ड होते हैं, क्रिएटेड होते हैं, उसने खुद से बनाए हुए पर्ल्स हैं उसके पास पड़े हुए हैं, तो हम उसमें से लेकर ना तो उसको उसमें से कह देते हैं कि हाँ यार उसमें से मोती निकला है, उसको झूठ मूठ कर बता देते हैं हाँ से मोती निकला, ताकि उसको $300 मिल जाए. तो हमें वुज़िक्स के बारे में बेटा याद है. वुज़िक कौन था बेटा? ये वुज़िक वॉच रिपेयरर है. ये वॉच रिपेयर है. और ये क्या काम करता है इसके अलावा? ये जो है वो स्टफ़ बेचता है. कौन सा स्टफ़ बेचता है बेटा? ये आर्टिफिशियल स्टफ़ बेचता है. और इसकी शॉप थी, तो उसको बुलाने के लिए बच्चे गए थे ताकि ये आए और अकेले उसको ना उसको खोले, भला किसको खोले? ऑयस्टर को खोलते. तो फिर हुआ क्या? तो मिस मैं कहती है, यू प्लान टू हैव वुज़िक्स प्रिटेंड ही हैज़ फाउंड अ पर्ल इन द ऑयस्टर व्हेन ही ओपन्स इट, इज़ दैट इट? तो मिस मैं कहती है, तुम्हारा प्लान ये है कि जब वुज़िक प्रिटेंड करे, वो झूठ मूठ का ये कहे कि हाँ मैंने इसके अंदर मोती मिल गया है मुझे, और इन द ऑयस्टर व्हेन ही ओपन, जब उसको खोले, तो इज दैट क्या ऐसा ही है? तो हैरी कहता है, आई प्लान टू गेट $300 टू प्ले. कहता नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा प्लान ये है कि उसको $300 मिल जाए. मैं किस तरह से? तो मिस मैं कहती है, डू यू हैव $300? तुम्हारे पास हैं $300 देने को? हैरी कहता है, नॉट क्वाइट, नहीं वो तो नहीं है. तो मिस मैं कहती है, व्हाट अबाउट द अदर चिल्ड्रन हु नीड मनी? तो वो कहती है कि बताएं उन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है जिनके पास पैसे नहीं हैं. डू यू प्लान टू पुट पर्ल्स इन ऑयस्टर फॉर देम? तो क्या आपका प्लान है कि आप उनके बच्चों के ऑयस्टर के में भी आप मोती रख देंगे? तो नॉट जस्ट देयर इन ओके बाय द सी टू, नॉट जस्ट देयर, कहते जी ओके बाय द सी छोड़ो, एवरीवेयर हर जगह. This isn't the only town in the world where people are poor. दुनिया में सिर्फ यही जगह नहीं है जो जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं. Where fathers and mothers fight, जहाँ पे अम्मा बाप लड़ते हैं, हर जगह लड़ाई होती है. Where families break up, जहाँ खानदान टूटते हैं, दुनिया में सर जगह होता है. तो तुम कहाँ कहाँ ये काम करोगे? ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगा. मैं मुझे बताएं बेटा, आप ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो फिर बेटा किस किस की मदद करें? दुनिया के अंदर तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है. तो ये हमें विलियम सैरोन एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज देते हैं यहाँ पर. कोई कहना नहीं, बड़ी टेल मी कि वॉट इज़ द मैसेज? ये क्या मैसेज दे रहा है कि हम कहाँ से काम शुरू करें और क्यों शुरू करें और कैसे शुरू करें? जी बेटा जी, इसके लिए हम यूँ कहते हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से शुरू करते हैं. एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, आपने भी बेटा बड़ी दूर की बात कर दी कि हम अपनी फैमिली से अपने काम का आगाज़ करें, अव्वल ख्वेश बाद इस दरवेश वाली बात करें. बेटा नहीं, इससे भी बढ़कर है. वो बढ़कर बात यह है कि आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस किधर है, वो आपका एरिया ऑफ कंसर्न किधर है. बेटा अपने एरिया ऑफ कंसर्न को पहचानिए. जब भी आपके दिल में ख्याल आए कि यार मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो मत सोचें, मत ख्याल करें कि कितने लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं. दरवाज़ा बंद कर जाइएगा अच्छी तरह से. तो ये कभी भी ना सोचा करें कि मैं अब किसकी मदद करूँ. तो बेटा इसके लिए आंसर मैं आपको देता जाता हूँ. बेटा जी आंसर है एरिया ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. अब एरिया ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है कि द पीपल हुम यू कैन कंट्रोल, द आइडियाज़, द थिंग्स एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट यू हैव, द ऑब्जेक्ट्स यू कैन कंट्रोल. तो बेटा आप बताएं, क्या आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपने माँ बाप कंट्रोल कर सकते हैं? बहन भाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई हम लोग कंट्रोल. नेवर. अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते जब तक मैं ना चाहूँ. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वी नीड टू कंट्रोल आवरसेल्फ.
हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, दूसरों को तब्दील नहीं कर सकते। तो कुरान भी आपको कहता है या यूल इंसान, इंसान को मुखातिब करता है, मुआशरे को मुखातिब नहीं करता। ठीक है, तो आप अपने आप को बेटा जी चेंज कर लें, आप अपने आप पर रहम करना शुरू कर लें। अपने आप पर रहम करने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो जो गलत काम करते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो गलत आदत हैं, आपकी ज़िंदगी में गलत प्रायोरिटीज़ हैं, उसको चेंज करें और डायरेक्शन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को लेकर आएँ। आप अच्छे बन जाएंगे, आपके असरात से दूसरे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। कम अज़ कम आपसे पूछा जाएगा कि आपने लम्हे पे क्या किया, तो फिर जो आपके हम ख्याल लोग होते हैं वो आपके साथ बनते हैं और ताकत और कुव्वत बन जाते हैं। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ कंसर्न बेटा आपने याद रखना है। तो हरी कहता है, अब देखिए हैरी ने उसका आंसर भी दे दिया, नो इट इज़न्ट बट इट इज़ द ओनली टाउन वेयर आई लिव। कहता नहीं ये तो यही जगह जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो मिस में कहती है आई गिव अप, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। कहता है चलो जी मैंने हाथ मार ली, बताया मुझे क्या करना चाहिए। तो वो उसको कहता है, हैरी कहता है कि वेल कुड यू फाइंड इट एनी इन योर हार्ट टू बी जस्ट अ लिटिल लेस श्योर अबाउट द थिंग्स व्हेन यू टॉक टू द किड्स, आई मीन द ट्रबल्ड वंस, यू कैन गेट क्लियर अराउंड टू द ट्रुथ इजी इनफ जस्ट एज सून एज ही गेट्स हिज फादर होम। वो कहता है जब आप बच्चों से बात करें तो ज़्यादा स्ट्रिक्टली ना बात करें, हार्शली बात ना करें, स्ट्रेट वो बात ना करें, सच्चाई की बात ना करें, बल्कि क्या करें आप उनको क्या करें, जो बच्चे जो डिस्टर्ब हैं उनको बड़े आराम से बात बताएं। आप क्ले को बाद में बता देना सच्चाई क्या थी, जब उसके अम्मा बाप घर वापस आ जाएंगे, जब एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, तो फिर आप उनको बता दीजिएगा कि बस रियलिटी क्या थी। अदरवाइज बेटर ये आपने ना इसको खामोश रखना है, खामोश रहना। तो वो उसी लम्हे क्या होता है कि ऑर्थर एप्पलगार्थ, ऑर्थर एप्पलगार्थ कम, जब उसी लम्हे ऑर्थर एप्पलगार्थ आ जाता है। लॉरी ऑर्थर एप्पलगार्थ के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ये कौन था, कि जज एप्पलगार्थ था। ठीक है, याद है आपको। और अभी तक जो करेक्टर बेटा जल्दी से रिकॉल करें, फटाफट एक जल्दी से रिकॉल करें जल्दी। सबसे पहले करेक्टर कौन आता है, क्ले लैरबी। क्ले लैरबी कौन है, क्लार्क लैरबी का बेटा है। इसकी उम्र कितनी है, 9-10 साल है। वो बाल काट रहा था किसके, हैरी वैन ड्यूसन के। और असल में हैरी वैन ड्यूसन ये बार्बर था। अब हैरी वैन ड्यूसन जो है उस मोहल्ले के लिए, उस कस्बे के लिए, ओके बाय द सी के लिए एक उम्मीद की किरण है, ये सब कुछ जोड़ के रखता है। अच्छा, सेकंड करेक्टर जो हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ वो कहता मिस मैकेचन का। मिस मैकेचन न्यू टीचर थी जो चाहती थी कि मैं स्कूल में पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, वापस चला जाऊँ या ना चला जाऊँ। वो अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रही होती, वो इट्स नॉट दैट मच डिसाइसिव करेक्टर नहीं है वो अपनी डिसीजन कुव्वत फैसला नहीं कर पा रही होती है। हुक्मा उसके पास नहीं, हिकमत नहीं है उसके पास। हिकमत मतलब अथॉरिटी होता है कि मैं फैसला कर दूँ। फैसला करने की ताकत को हिकमा कहते हैं, हुक्मा कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि एक और करेक्टर फिर आता है इसके अंदर, वो क्लार्क लैरबी का करेक्टर आता है, जो क्ले का वालिद होता है, जो घर से जो है वो लड़के गया होता है और क्ले उसको वापस लाना चाहता है। तो इसी लम्हे में वो एक और बातों में राइटर एंटर होता है, ये उसने हॉलीवुड जाना होता है, वो 200 मील दूर है वहाँ से। तो वो बाल कटवाने आता है, और आप याद रखें अभी तक वो बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, उसके बाल नहीं कटना शुरू हुए, याद रखना आप लोगों ने। तो उसी लम्हे उसको कहता है कि भाई कौन कौन से लोग हैं, तो वो इंट्रोड्यूस करता है कि यहाँ पे जज एप्पलगार्थ रहता है, जहाँ पे फेंटन लॉकहार्ट है, और यहाँ पर जो है वो हैरी वैन ड्यूसन है और बच्चे हैं। ठीक है ना, ये बात उसने बताई थी। तो उसने पूछा था फेंटन लॉकहार्ट कौन है, तो हमने कहा था ये ऑथर है, ये सी गल का जो है वो एडिटर है। और इसके बारे में ये बात की थी कि इसने एक देहात में एक मेला हुआ था, उस मेले के अंदर हाउंड्स को या डॉग्स को उसने जज किया था। तो उसके बाद से उसने कहा जी मैंने चूँकि जज किया, चूँकि उसने जज कहा था तो हमने मान ली इस बात को, उसके बाद उसका नाम जज ही चला आ रहा है। तो वो कहता है जी कि उसी लम्हे जो है ना वो जज एप्पलगार्थ अपने ना, अब देखें आप जज एप्पलगार्थ का करैक्टर हमारे सामने आ रहा है, तो अगर हमसे पूछेंगे जज एप्पलगार्थ का करैक्टर कैसा है तो हमें पता चलेगा। तो वो जज एप्पलगार्थ रिमूविंग हिज हैट एंड बाउइंग लो, वो अपना हैट उतारता है। मैंने आपको पहले बताया था जब हैट उतारा जाए इट शोज रिस्पेक्ट, और बोइंग लो का मतलब है नीचे तक झुक जाता है वो। एन ऑनर कहता है हमारी इज्जत की बात है मिस, तो मिस में कहती है हाउ डू यू डू जज, जज आपका क्या ख्याल है, क्या हाल है बेटा। ये मैंने आपको बताया ये बहुत फॉर्मल ग्रीटिंग है, जिसमें कहते हैं हाउ डू यू डू, तो इसका आंसर भी हाउ डू यू डू ही होता है। तो हैरी कहता है मिस मैकेचन इज द न्यू टीचर एट स्कूल, ये हमारे स्कूल की नई टीचर है। तो जज कहता है वी आर ऑनर टू हैव यू, हम आपको मिला, आप हमारी तरफ आए, आपने हमें इज्जत बख्शी, हम बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी महसूस कर रहे हैं, ये बच्चे भी, ये वालदैन भी, और सारे लोग खुश महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ आप आएँ। आप बेटा इसके अल्फाज देखिएगा और बाद में फिर इसका कमेंट्स देखिएगा। तो मिस मैकेचन थैंक यू जज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टू हैरी विस्परिंग, उसको हैरी को ना विस्पर करते कहती है आई विल बी बैक एज सून एज आई चेंज माय क्लोथ्स, कहती बस मैं जैसे कपड़े वापस चेंज करके आऊँगी ना तो फिर मैं जल्दी वापस आती हूँ कपड़े चेंज करके। तो हैरी कहता है विस्परिंग, वो भी विस्परिंग करते कहता है आई टोल्ड यू नॉट टू विस्पर, मैंने कहा था कि सरगोशी नहीं करनी। तो मिस मैकेचन कहती है विस्परिंग आई शुड एक्सपेक्ट यू टू गिव मी अ पुडल हेयर कट, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने मेरे पुडल हेयर कट करके देनी है। तो मिस कहते हैं विस्परिंग आई शुड एक्सपेक्ट यू टू गिव मी हेयर पुडल हेयर कट, तो हैरी कहता है विस्परिंग भी कहता है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तो मिस मैकेचन कहती है अल्लाह ऊंचे बंद कहते गुड डे जज, जज अच्छा अल्लाह हाफिज़।
अच्छा, अब वो जो गुड डे जज को कहती है ना, जज अच्छा दिन हो आपके लिए, ये कह के जब निकलता तो जज फिर बाव करता, फिर नीचे झुक जाता है, गुड डे जी जी बहुत अच्छा दिन होगा आपके लिए। मिस मैकचन गोज और चली जाती है। जज एप्पलगार्ट लुक्स फ्रॉम द डोर टू हैरी, तो वो जज एप्पलगार्ट ना लुक्स फ्रॉम द डोर टू हैरी, तो डोर के नीचे से ही हैरी को तो देखते हुए क्या क्या कहता है, कहता ये है उसको कि क्या कहता है, बोइंग गुड डे मिस मैकेजी, हमने पढ़ लिया, तो कहता है अब देखें उसका फौरन रिस्पॉन्स है, शी वोंट लास्ट मंथ, एक महीना भी नहीं टिकेगी यहाँ पे। तो जज कहता है टू प्रिटी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आवर स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटल एक्स लाइक द टीचर्स वी हैड व्हेन वी वेंट टू स्कूल। तो कहता जी कि आवर स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटल, हमें तो एक ऐसी टीचर चाहिए जो स्कूल में थी, जो ओल्ड बैटल एक्स थी। अब बैटल एक्स जो है ना, ये एक एडजेक्टिव बन रहा है यहाँ पे, ओल्ड बैटल एक्स सॉरी नाउन है, ओल्ड एडजेक्टिव है तो बैटल एक्स नाउन बना। ये ऐसा एक्स मतलब कोल्हाड़ा होता है, मतलब इसको यूँ तर्जमा करा जाए कि वो बंदे मार खातून होनी चाहिए, सख्त किस्म की स्ट्रिक्ट खातून होनी चाहिए जिसको देख के बच्चे डर जाएँ, ऐसी खातून होनी चाहिए। तो हमें स्कूल के अंदर एक ऐसी खातून टीचर होनी चाहिए जो उससे देख के बंदे बच्चे डर जाएँ, जैसे कॉन्सेप्ट हमारा द टीचर वी हैड व्हेन वी वांट वेंट टू स्कूल, जब हम स्कूल जाया करते थे ऐसी टीचर होनी चाहिए। नॉट अ बैथिंग ब्यूटी, ना कि एक ऐसी टीचर हो जो कि तैराकी के लिबास में खूबसूरत हसीना हो। तो वेल हैरी व्हाट्स न्यू, क्या बातचीत है, जस्ट टीचर आई गेस, उसने कहा नहीं मेरा ख्याल है सिर्फ टीचर ही चाहिए हमें ना। अच्छा, अब ये जो दो रिमार्क्स दिए उसने जज एप्पलगार्ट ने, और ये पता चल गया हमें कि जज एप्पलगार्ट की पर्सनैलिटी कैसी है, कि वो ख्वातीन के बारे में कैसी राय अख्तियार करता है। बेटा याद रखिएगा, आप सब मेरी बात बच्चे सुन रहे हो, मेरे बच्चों, किसी भी इंसान की, लड़के की, आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, आदमी के बारे में जज करना हो ना कि इस बंदे की तरबियत कैसी है, तो वो देखा करें कि वो किसी लड़की से, किसी औरत से जब वो बात कर रहा होता है तो उसकी तरबियत का अंदाज़ा हो रहा होता है। अच्छे माँ बाप का अच्छी तरबियत याफ्ता लड़का जब भी किसी लड़की से बात करता है, कभी औरत से बात करता है, इंतहाई तहजीब के दायरे में रह के बात करता है, और ये पता चलता है कि वो औरत को इज़्ज़त देता है। बेटा मैंने बताया कि इस्लाम औरत को जितनी इज़्ज़त देता है, दुनिया का कोई मज़हब चाह कर भी उतनी इज़्ज़त नहीं दे सकता, और ना ही उसको इजाज़त दी जाती है कि वो ऐसे कमेंट्स पास करे किसी भी लड़कियों के बारे में। और हम देख लें कि हमारे माशरे के अंदर कितना कॉमन है, और हम कहते हैं कि जी हम तो बड़ी इज़्ज़त करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं बेटा, हमें अपने बहनों के बारे में और अपनी माओ के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो एहतियात का दामन जो है ना वो हाथ में रखना चाहिए। तो खैर, इस तरह की बात करके कहता है, जज कहता है यू नो हरी द बीच इज़न्ट व्हाट इज यूज्ड टू बी, कहता है देखो, अब देखो द जज एप्पलगार्ट के मुंह के ऊपर नशुकरी के अल्फाज हैं, नशुकरी के अल्फाज हैं, और हैरी जो है वो शुक्र के ग्रेटिट्यूड है। तो यू नो हैरी द बीच इज़न्ट व्हाट इट यूज्ड टू बी, पहले जैसा नहीं रहा, नॉट एट ऑल, आई डोंट माइंड द कंपटीशन वी आर गैदरिंग फ्रॉम द किड्स, कहते हैं ये मैं ऐसे बुरा नहीं मानता जो बच्चे कंपटीशन करते हैं आपस में, इट्स जस्ट दैट द क्वालिटी ऑफ द स्टफ द सी इज वॉशिंग अप इज़न्ट गुड एनी मोर। अब ये जो क्वान्टिटी है ना, जो वो क्या कहते हैं, जिस अंदाज से जो क्वालिटी है इसकी स्टफ, जो चीज़ें वॉश अप होकर आती हैं, वो कोई इतनी अच्छी नहीं रह गई। द सी इज वॉशिंग अप इज़न्ट गुड एनी मोर, ही गोज़ टू द डोर, फिर ड्रॉअर पर चल जाता है। हैरी कहता है आई डोंट नो क्ले लैरा बी फाउंड एन ऑस्टर दिस मंथ, कहता मैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह कि क्ले लैरा बी को एक ऑस्टर मिला है। तो जज कहता ही डेड, अच्छा वेल वन ऑस्टर डज नॉट मेक अस टू, कहता एक ऑस्टर से क्या बनता है, एक दिन का खाना नहीं बनता। हैरी ऑन माई वे होम आई ड्रॉप इन एंड लेट यू सी वॉट आई फाइंड, कहता मैं जा रहा हूँ समंदर पर, वापस आकर तो बताऊँगा कि मुझे क्या मिला। हैरी कहता ओके जज, द जज गोज आउट चला जाता है। हैरी कम्स टू हिज लाइफ सडनली एंड बिकम्स बिजनेस लाइक, कहता फौरन जिंदगी वापस आता है और कारोबारी बन जाता है। नाउ फॉर द हेयर कट, कहता लो जी मैं अपने बाल कट, अब देखें दादा करें कि बेचारा वो जो राइटर था वो कब से बैठा था कि जल्दी बाल काट दो, और देखें क्या कुछ हो गया, कितनी देर गुजर गई बेचारा वैसे बैठा हुआ। ही रिमूव्स द टॉवल ही हैड रैप्ड अराउंड द राइटर्स हेड, तो उसने वो जो टॉवल उसके सर पे रखा होता है उसको रिमूव करता है। कहता है जज, कहता है जज भी कहता है टेक योर टाइम जी, अपना वक्त लीजिएगा। हैरी कहता है ही एग्जामिन्स द शीयर्स, अपनी वो कैंचियाँ देखते हैं, शीयर्स का मतलब कैंचियाँ, क्लिपर्स, वो जो क्लिप लगाता है जैसे बालों पर, और कॉम्स कंघियाँ होती हैं। लेट्स सी नाउ, कहता है चलो रही अब मैं बाल काटता हूँ। द राइटर टर्न्स एंड वॉचेस, राइटर वापस मुड़ता है देखता है। अ गैसोलीन स्टेशन अटेंडेंट कम्स टू द डोर, उसी लम्हे एक जो पेट्रोल पंप का जो अटेंडेंट है वो कमरे में आ जाता है। कहता है सर, अटेंडेंट कहता है टू द राइटर जस्ट वॉन्टेड टू से योर कार रेडी नाउ, कहता है सर मैं आपको बताना है कि आपकी गाड़ी जो है वो तैयार हो गई है और आप आ जाएँ। तो उसका टाइम जारी बात है पूरा हो जाता है। तो राइट कहता है थैंक्स, द अटेंडेंट गोज और चल जाता है। लुक आई विल टेल यू व्हाट हाउ मच इज द हेयर कट, कहता मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने बाल मेरे काटे हैं कितने पैसे हुए। बाल तो उसने काटे नहीं, वो आयरनिकल बात कर रहा है।
Harry कहता well the regular price is a dollar. कहता आम तो मैं एक डॉलर लेता हूँ. It does much for a haircut. लेकिन ये too much for a haircut के लिए एक डॉलर बहुत होता है. दो सो आई जनरली टेक अ हाफ और अ क्वार्टर, कभी आधा डॉलर ले लेता हूँ, कभी चौथाई हिस्सा ले लेता हूँ. ठीक है, आप बेटा इसको ऑनलाइन कर लें. क्वेश्चन आंसर बनता है कि द प्राइस ऑफ द हेयर कट, तो ये आप इसको कर सकते हैं आंसर. तो राइट कहता है गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, वो अपनी कुर्सी उठ जाता है. आई चेंज माई माइंड, कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया. आई डोंट वॉन्ट अ हेयर कट आफ्टर ऑल, अब मुझे जो है वो हेयर कट की जरूरत नहीं है. बट हेयर इज अ डॉलर जस्ट द सेम, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको पूरा डॉलर जरूर देता हूँ. तो ही हैंड्स हैरी अ डॉलर, उसने क्या किया कि डॉलर को उसको हैरी को एक डॉलर दिया. एंड ही हिमसेल्फ रिमूव्स द एप्रन, खुद ही अपना एप्रन रिमूव कर देता है. अच्छा जी, क्या ख्याल आपका, गुस्से से वो उठ गया या उसने क्या किया कि उसको वाकई दिल नहीं कर रहा था बाल कटवाने को? क्या कहते हैं आप इस हवाले से? हाँ, गुस्सा बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा गुस्सा था नहीं उसके पास. नहीं, वो गुस्सा नहीं था, अभी देखते होंगे. हैरी कहता है इट वॉन्ट टेक, कहता सर एक मिनट नहीं लगेगा, बैठे से एक मिनट नहीं लगेगा, एक मिनट लगेगा, बाल काट दूंगा. हैरी कहता आई नो, हाँ मुझे पता है एक मिनट नहीं लगेगा, मुझे पता है. तो हैरी कहता यू डोंट हैव टू पे मी अ डॉलर फॉर अ हॉट टॉवल. तो कहता है जो हॉट टॉवल मैंने दिया आपको उसके लिए जो है मुझे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब आपको दो डॉलर देने की जरूरत, डॉलर देने की ज़रूरत नहीं है. कहता माई कम्प्लीमेंट्स, ये मैं अपने कम्प्लीमेंट्स अपनी मतलब खुशी से आपको ये दे रहा हूँ. तो द राइटर कहते हैं वो क्या, उसने जो हॉट टॉवल उसको बंदा, कहता है ये मेरी तरफ से आप वैसे ही रख लें खुशी से. तो राइटर कहता है दैट्स ओके, कहता कोई ज़रूरत नहीं, गोस डोर और वो दरवाजे पर चला जाता. हैरी कहता वेल टेक इट ईजी नाउ, कहता प्लीज अपना रिलैक्स रहिएगा, टेक इट ईजी. और राइटर कहता थैंक्स, बहुत शुक्रिया. ही स्टैंड्स अ मोमेंट, लम्हे के लिए खड़ा होता है, थिंकिंग, सोचता है, देन टर्न वापस आ जाता है. डू यू माइंड इफ आई हैव अ लुक एट द ऑयस्टर, मुझे जरा ऑयस्टर तो दिखाएं जरा जो आपके पास आया, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको ऑयस्टर देख लूँ? हैरी कहता नॉट एट ऑल, बिल्कुल देखें. द राइटर गोज टू द शेल्फ, राइटर जो है ना शेल्फ पर जाता है, वेयर हैरी हैज प्लेस द ऑयस्टर, जहाँ पे उसने ऑयस्टर रखा होता है, पिक्स इट अप, उसको देखता है, लुक्स एट द लुक्स एट इट थॉटफुली, पुट्स इट बैक विदाउट कमेंट, बट इंस्टेड ऑफ लीविंग द शॉप ही लुक्स अराउंड एट द स्टफ इन इट, ही देन सिट्स डाउन ऑन अ वीकर चेयर. अच्छा बेटा जी, अब ये जो आपके सामने ये लाइनें जो आई हुई हैं, द राइटर गोज टू द शेल्फ और वेयर हैरी पुट्स इट, आपने बेटा ये लाइनें चेक की हैं आप लोगों ने? ठीक है, द राइटर गोज, इस लाइन को बेटा जी गौर से आप देखें, इसमें कितने वर्ब्स यूज हुए हैं जल्दी देख बताएगा बच्चा, कौन कौन से नाउन यूज वर्ब यूज हुए हैं? गोज है राइट, गोज टू द शेल्फ है, और हैज प्लेस द ऑयस्टर, प्लेस्ड है, लुक्स है, और पिक्स है, बिक है, हाँ, और बट इंस्टेड ऑफ लीविंग द शॉप ही लुक्स अराउंड, बेटा ये सारा प्रेजेंट टेंस में, हाँ सारा प्रेजेंट में. और आपको बेटा ये कॉमे नजर आ रहे हैं, कॉमे लिखे हुए हर जगह पे जब वो नई बात ही होती, पुट्स इट बैक विदाउट मूवमेंट, बट इंस्टेड ऑफ लीविंग द शॉप, ये कॉमर्स उसने चीज़ों को अलग किया हुआ. ये मोर देन टू वर्ब्स यूज हुए हैं, जब भी मोर देन टू वर्ब्स यूज होते हैं तो हम उनको सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, कॉमा लगा देते हैं. ठीक है ना, कॉमे लगा देते हैं. तो राइटर कहता है यू नो वी हैव गॉट अ गैजेट इन न्यूयॉर्क नाउ नाउ लाइक अ सेफ्टी रेजर दैट एनी बॉडी कैन गिव एनी बॉडी एल्स अ हेयर कट विद. ये बेटा 1956 की बात है, उस वक्त ये नए नए रेजर्स आए थे, गैजेट आए, तो अब हर बड़े बड़े गैजेट आ गए, हम खुद ही अपने शेव वगैरह कर सकते हैं, तो पहले शायद नहीं था. तो वो कहता है आपको पता है गैजेट आया है न्यूयॉर्क के अंदर, तो अब रेजर है, सेफ्टी रेजर है, अब यहाँ पर हर बंदा अपने आप को खुद ही बाल जाए वो काट सकता है. तो हैरी कहता है देहा, अच्छा वाकई? तो देखिए अब देहा के बाद क्वेश्चन आप बता रहे, मतलब वो सवाल पूछ रहा है कि अच्छा वाकई ऐसा हुआ हुआ है. तो इसके बाद वो अब बात करता है कि द राइटर या देयर इज द फुल पेज एड अबाउट इट इन लास्ट संडेज टाइम, कहता है लास्ट संडे टाइम एड आया हुआ था उसका. तो हैरी कहता है इज देयर इज दैट वेयर यू वर लास्ट संडे, कहता है इसका मतलब कि आप लास्ट संडे न्यूयॉर्क में थे. तो दर कहता है या मैं वहाँ था. तो यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ड्राइविंग, पॉली ड्राइविंग करते हो? राइट कहता है आई लुक आई लाइक टू ड्राइव, मुझे ड्राइव करना अच्छा लगता है. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. तो दोज गैजेट्स डोंट ऑलवेज वर्क, दे आर आस्किंग 295 फॉर इट, दे आर आस्किंग 295 फॉर इट. इसके लिए बेटा जी आप अंडरलाइन कर लें इसको, ये क्वेश्चन का आंसर भी है. वेट अ सेकेंड, आप ज़रा थोड़ी देर के लिए इसको टाइम ले लें. इसमें हम जो राइटर की और हैरी की आपस में जो बातचीत चल रही है,
जी बच्चोरी, वेलकम बैक टू योर क्लास. वी आर हेयर इन दिस पेज नंबर, यू कैन सी द पेज. वी आर इन द पेज नंबर 43 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन द राइटर एंड द हैरी. यू कैन कैच मी एनीवेयर इफ यू लाइक. Okay, so we were talking about Harry and the writer. They were talking about the gadget that has newly been invented for the market to use it. And Harris, you've been doing a lot of driving. You know, they have got a good gadget in New York, you know, like a safety razor that anybody can give anybody else a haircut with. So Harry kehta, they have kehta kya waqi unke paas aisa gadget aa gaya. So the writer kehta, yeah, there was a full page ad about it in last Sunday's time. So last Sunday time ke andar pura ek उसके ऊपर ऐड आया हुआ था. तो इज दैट वेयर यू वर लास्ट संडे. इसका क्या मतलब कि आप लास्ट संडे को न्यूयॉर्क में थे. तो कहता जी मैं वहाँ था. तो यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ड्राइविंग. इसका मतलब कि आप तो बहुत ड्राइविंग करते हो. राइट कहता है आई लाइक टू ड्राइव. मुझे ड्राइव करना अच्छा लगता है. आई डोंट नो दो दोज गैजेट्स डोंट ऑलवेज वर्क. दे आर आस्किंग 290 फॉर इट. बेटा जिसकी प्राइस है 290, या अपनी जेहन में रखिएगा कि उसकी $290 की प्राइस है. देर आस्किंग 295 फॉर इट. 295, यू टेक अ बिग फैमिली. अगर आपके बड़ी फैमिली है तो द फादर कुड सेव अ लॉट ऑफ मनी गिविंग हिज किड्स अ हेयर कट. तो वो जो वालिद अपने बच्चों के ज़्यादा हैं तो वो उसके खुद बाल काट के बहुत से जो है ना पैसे कमा सकता है या बचा सकता है सर. तो हरी कहता है साउंड लाइक ए ग्रेट आइडिया. कहता है तो बड़ा अच्छा आइडिया लगता है. हरी कहता है क्वेश्चन ऑफ इफेक्टिवनेस. इसका मतलब है कि कोई चीज़ कितनी इफेक्टिव है. तो द रेट कहता है क्वेश्चन ऑफ इफेक्टिवनेस. इफ द फादर गिव्स द बॉय अ हेयर कट द बॉय इज अशेम्ड ऑफ, वेल दैट्स नॉट सो गुड. कहता है कि जब बाप अपने बच्चों के खुद बाल काटेगा तो बच्चे जो ना अशेम्ड फील करेंगे, यार हमारे बाल हमारा बाप ही बाल काट रहा है. तो हरी कहता नो, अ बॉय लाइक्स टू गेट अ प्रोफेशनल लुकिंग हेयर कट. ऑल राइट. हरी कहता है असल में ना बच्चे प्रोफेशनल हेयर कट कटवाना चाहते हैं. तो द रेट कहता है आई थॉट आई वुड बाय वन बट आई डोंट नो. कहता है मैं सोचता हूँ कि मैं एक नया ख़रीद लूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए. तो हैरी पूछता है कि आपकी बहुत बड़ी बिग फैमिली है आपकी. तो यहाँ तक डरी हम ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे. जस्ट सेकेंड हियर.